जब चले जाए तो भूल जाने का। नो कॉम्प्रोमाइज ओनली बटावट। जिन नामों को तुम यूज करते हो ना, मैं उन नामों पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वरना अगर मैं अपने पे आई तो ये पड़ा मेरा फोन। ऐसे दूसरों को बोलो कि यहाँ पे कीर्ति खड़ी है, यहाँ मत जाओ, बोल दो ठीक है। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ा लफड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले एलबी शाह और कीर्ति मेहरा सीए दिवाली पार्टी में गए थे, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कीर्ति मेहरा को गुस्सा आ गया। मतलब कि लोग कीर्ति मेहरा को कमेंट में एलबी शाह और कीर्ति मेहरा को एक साथ जोड़ रहे हैं, साथ ही कीर्ति मेहरा के लिए ऐसे कह रहे हैं कि कीर्ति मेहरा अटेंशन के लिए दिवाली पार्टी में गई थी, तो ये चीज ट्विटर पर काफी ज्यादा चल रही है। साथ ही एक फेक फोटो भी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, तो कीर्ति मेहरा को ये सब चीजें सही नहीं लगी और कीर्ति मेहरा ने कहा कुछ चीजें हद में रहने दो वरना बहुत ही बुरा होगा। आप देखिए छोटा सा क्लिप। टाइम से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चीजें फैल रही है, ये बोल देना वो बोल देना मेरे कमेंट सेक्शन में आके। मैं काफी टाइम से इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे इन सब चीजों पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग उकसाते हो और इतनी गंदगी फैला देते हो जिसकी कोई हद नहीं होती। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, आपको मेरा अकाउंट दिख रहा होगा पर मेरे फोन में ट्विटर नहीं है। मैंने ये ऐप को डिलीट किया हुआ है, मुझे उस गंदगी में पढ़ना ही नहीं। पर हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं से हफ्ते दो हफ्ते में पता चल जाता है कि ये चीज चल रही है, तो मैं सोचती हूँ चल जाने दे। मेरी इस चीज में अगर मैं हूँ ही नहीं तो मैं वहां पे जाके देखूंगी क्यों, नहीं देखती मैं। तो तुम जो भी ट्विटर पे कर रहे हो, पहली बात तो तुम अपनी ही दुनिया में करे जा रहे हो, वो चीज मेरे तक नहीं आ रही है कि तुम सोचो कि तुम डेली आके मेरा मेंटल पीस हिला दोगे या मेरे को कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं। पर ये जो भी तुम डेली कर रहे हो, सुबह उठते से लेके सोने से पहले तक मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आके वो सारी चीजें करना, ये चीज तुम सिर्फ अपने एक मोटिव से कर रहे हो कि हमें तो कीर्ति को गलत दिखाना है, हमें कीर्ति को गलत दिखाना है। कुछ भी हो जाए, चाहे वो तुम धोखेबाज कह लो, चाहे तुम और 10 नाम कह लो मेरे को, तुम्हें सिर्फ प्रूफ करना है। और वो सिर्फ इसीलिए प्रूफ करना है कि तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो सके कि कीर्ति तो धोखेबाज है, कीर्ति है, कीर्ति वो है, फलाना है, धमकाना है, पता नहीं क्या क्या। पर मैं आज तुम्हें बता रही हूँ, एड़ी चोटी तक का जोर लगा लेना, एड़ी चोटी तक का। जिंदगी में जितनी तुम्हारी जिंदगी है जितनी मेरी जिंदगी है, किसी को भी उठा के मेरे सामने ले आना। कोई भी बंदा अगर मेरे को ये टैग जो भी तुम देना चाहते हो ये प्रूव कर दे, तुम्हारे को सिर्फ ये है कि ये प्रूव हो जाए, हमें शांति मिल जाएगी, बाकी सब लोग भाड़ में जाए। और मैं चुप भी हूँ इसीलिए कि चलो तुमको ऐसा लगता है ठीक है, जाने दो। चुप सिर्फ इसीलिए हूँ कि जिस नाम को यूज करके तुम ये कमेंट करते हो या जितने भी तुम फैन पेजेस बनाते हो या जितने भी तुम अकाउंट बनाते हो, जिन नामों को तुम यूज करते हो ना, मैं उन नामों पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वरना अगर मैं अपने पे आई तो ये पड़ा मेरा फोन, ऐसे सामने कर दूंगी पब्लिक के, फिर सब लोग भागते घूमोगे, अपने अकाउंट बंद करते घूमोगे, सब कुछ करते घूमोगे, क्योंकि मेरे को नहीं है किसी चीज का डर। डर उसको होता है जो इंसान गलत होता है। एक बार मैंने अपना ये फोन खोल के ऐसे सामने सोशल मीडिया पे फेंक दिया ना, मैं बता रही हूँ कुछ जस्टिफिकेशन, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम दे भी पाओ। तो अगर एक लड़की बर्दाश्त कर रही है एक हद तक, लड़की भी छोड़ो तुम्हें उसकी भी शर्म नहीं है, कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान बर्दाश्त कर रहा है तो उसको इतना मत उकसाओ कि वो पागल ही हो जाए और फिर उन लोगों को नुकसान पहुंच जाए जिन लोगों के तुम लॉयर बने पड़े, समझ आई? तुम मेरे साथ ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना है अपना भैया काम धंधा करो, अपना पैसे कमाओ, अपना बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें कमेंट करो, अपने अच्छे अच्छे आके सजेशन दो, जितने भी देने हैं सारे वेलकम है। पर अगर तुम्हें ये सब करना है ये भी वेलकम है। दूसरी बात ये रही, 2 दिन में बहुत वो उठ गई, पार्टी में चली गई। अरे तुम रोकोगे? कौन हो तुम रोकने वाले? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है मेरे पार्टी में जाने से या मेरे म्यूचुअल्स होने से या मेरे दोस्त होने से, अगर तुम्हें दिक्कत है कि मेरे ये दोस्त क्यों है, वो दोस्त क्यों है, ये फलाना क्यों है, टिमकाना क्यों है, जाके उनको बोलो मेरे पे तुम्हारा कोई जोर नहीं है। ये मैं आज बता रही हूँ, कल बता दूंगी, परसों बता दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से तुम मेरे पे जोर चला लोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जाके दूसरों को बोलो कि यहाँ पे कीर्ति खड़ी है, यहाँ मत जाओ, बोल दो ठीक है, दूसरों को रोकना। मेरे को इसीलिए टारगेट करते हो क्योंकि लगता है सॉफ्ट टारगेट है, इसे पकड़ लो, इसको बोलो। बेटा नहीं हूं मैं सॉफ्ट टारगेट, मैं बस चुप हूं, सिर्फ एक शर्म है
जिसकी वजह से चुप हूँ। तो नीचे कुछ लोगों ने उसी वीडियो के कमेंट में कहा, मॉरल ऑफ द वीडियो, बोथ पर्सन आर हैप्पी एंजॉयिंग देयर लाइफ बट द ऑडियंस आर अनहैप्पी एंड जेलस मेकिंग देयर ओन अजम्पशन एंड थॉट, नॉट ऑल ऑडियंस बट फ्यू, बाकी ट्विटर में बैठे लोग नल्ले हैं। एक और यूजर ने कहा, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, एल्विश के नाम का कीवर्ड ही बंद कर दो, क्लियरली बोला ही नहीं किसकी बात कर रही हो, वो कभी भी तुम्हारे नाम नहीं लेता, इग्नोर करता है, उसको जितना हेट मिलता है उसका 1% भी नहीं मिला है तुमको। दोस्तों इस चीज को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही एल्विश यादव को भी कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है कमेंट्स ट्विटर में और अदर सोशल मीडिया पर। तो भी कीर्ति को लेकर इनडायरेक्टली रिप्लाई आया है जो कहे कि कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जो गया वो गया। आप देखिए वो अपने ब्लॉग में क्या फिर जाए ना और जब चले जाए तो भूल जाने का, समझ रहे हो, ऐसा है, नहीं तो जिंदगी में तुम वहीं अटके रहते हो, आगे ही नहीं बढ़ पाते लाइफ में। आगे बढ़ो भाई, जिंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना, समझ रहे हो, ऐसी जिंदगी जियो, काटो मत, जियो, ये सोच के जियो कि एक ही जिंदगी है, नो कॉम्प्रोमाइज ओनली बटावट। अपनी जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना इफ यू गॉट एवरीथिंग। वैसे सबके पास सब चीज होती नहीं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट ट्राई करना कम ही करो, क्योंकि यार जिंदगी एक है, जीनी है समझ रहे हो, जीनी है, तो अभी जीने जा रहे हैं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं अज्जू 8801 की वाइफ प्रतिभा को लेकर। तो रिसेंटली प्रतिभा को लेकर चल रहा है कि अज्जू 8801 किसी और के साथ रिलेशन में है, ऐसा ट्विटर पर चल रहा है, यानी कि प्रतिभा की क्लिप काट कर ट्विटर पर चलाई जा रही है, जहां वो ऐसा बोल रही है कि उन्हें इतनी बड़ी चीज सीखने को मिली है वो कभी नहीं भूलेगी, जहां वो ये चीज कहते हुए रो भी रही है। और ये वीडियो जिनका है जिस दिन करवा चौथ थी। तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप सबका भी करवा चौथ बहुत अच्छा गया होगा, मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अमेजिंग गया, एंड आज मुझे इतनी बड़ी चीज़ सीखने के लिए मिली है ना, वो मैं कभी लाइफ टाइम नहीं भूलूँगी। आई प्रोमिस दिस टू माई सेल्फ, आई विल नेवर फॉरगेट दिस डे एवर। चलो गाइस बाय, अब खाना खाते, बहुत तेज भूख लग रही है। ट्वीट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रतिभा काफी परेशान है, जहां अज्जू ने चीट कर रहे हैं, ऐसा ट्वीट में कहा गया। शी इज वाइफ ऑफ अज्जू, ए वुमन हु इज जस्ट फॉरगिव हिज हस्बैंड बिकॉज ऑफ हिज चाइल्ड एंड फैमिली। एक और यूजर ने ट्विटर पर लिखा, अज्जू चीट वाइफ अदर गर्ल रिलेशनशिप विद कीर्ति मेहरा। एक और यूजर ने लिखा, एक और ने लिखा, इसकी पूरी मैरिड लाइफ खराब कर दी और सिंपति लेती है रील डलवा कर। दोस्तों इस चीज को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में पूरब जाके कई फेक अकाउंट इंस्टाग्राम पर बन रहे हैं, तो उनसे वो काफी परेशान है। पूर्व जय इसलिए परेशान है कि जो फेक अकाउंट्स है वो कुछ भी प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, उससे उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि पूर्व जय ऐसा कर रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो पूर्व जय नहीं है, उनके फेक अकाउंट्स है। तो पूर्व जय लास्ट वार्निंग देते हुए अपने अकाउंट पर क्या कहे आप देखिए। दोस्तों देखो, मेरे नाम के बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन रखे हैं, पर पहले ही बता दूं सिर्फ ये ओरिजिनल है जो है, ये पूरव झा जिसपे 5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, मेरा एक ही इंस्टाग्राम अकाउंट है। बाकी जो भी हैं मुझे नहीं पता वो कौन चला रहा है, आई थिंक वो फैन पेजेस है, कोई और बंदे हैं, बट उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा, या तो आप ये फेक प्रमोशंस या जो भी चीज़ें मेरे नाम पे करना बंद कर दो, पोस्ट मत करो, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि मैं वो फालतू की चीज़ें प्रमोट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं स्ट्राइक डालूंगा, आपका पेज उड़ जाएगा, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना भाई। आप चलाओ अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप वहाँ से फॉलोअर गेन करो, जो भी है आप जो भी चीज़ें पोस्टिंग करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ तो अकाउंट वेरीफाइड है भाई, वेरीफाइड होके वो फालतू की चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं पेज उड़वा दूंगा, प्लीज ये चीज ना करें, थैंक यू। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में, क्या अभिषेक मलान रोडीज के अंदर नहीं जाएंगे? तो हाँ, उनसे हाल ही में Q&A में पूछा गया कि भैया इन रोडीज एज ए गैंग लीडर, तो अभिषेक मलान कुछ एक है पूछा, भैया इन रोडीज एज ए गैंग लीडर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई गॉट अ कॉल टू बी गैंग लीडर, बट आई थॉट अभी के लिए नहीं, रोडीज प्लेग्राउंड सीजन 4, आई गॉट एन ऑफर, आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों, बहुत लोग पूछते क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने ना हमेशा YouTube वीडियोस बनाई है, 4 साल YouTube वीडियोस बनाई, उसके बाद मैं बिग बॉस गया, मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस से पहले मुझे ये नहीं पता था कि जो ये रियलिटी शोज होते हैं इसमें कितनी टॉक्सिसिटी हो जाती है। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको ना टॉक्सिसिटी ज्यादा पसंद नहीं, मुझे ना ऐसे खुश रहना पसंद है, सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद है, आई डोंट लाइक टॉक्सिक हो चीजें, कलेश हो, एक दूसरे के बारे में फालतू बोलना, ये सब, तो इसलिए आई डिसाइडेड
कि लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स फोकस ऑन म्यूजिक वीडियोस, लेट्स फोकस ऑन YouTube वीडियोस, लेट्स फोकस ऑन समथिंग दैट आई एम गोना अनाउंस वेरी सून, लेट्स फोकस ऑन समथिंग दैट आई विल अनाउंस आफ्टर आई अनाउंस आवर नेक्स्ट बिग अनाउंसमेंट. यहां से मैंने थोड़ा अपने प्लान्स थोड़े से चेंज. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ.